ये फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, अभी हमारे पास 2/5 टाइम्स 1/3, इसमें सिंपल आपने देखना है कि 2 × 1 इज हो जाता है 2 और 5 × 3 = 15। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलीफाई करो, अगर हो सकता है तो करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन सिंपलीफाई नहीं हो रहा, इसलिए क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 2/9 × 3/4 था। आप देखिए कि इसमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होती है कटिंग कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड 2 × 1 = 2 एंड देन सेम टाइम टेबल दोनों में आता है, ठीक है। एंड 4/2 इज हो जाता है 2, यानी कि हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 टाइम टेबल से डिवाइड कर देना। इसी तरह इसको चेक करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3/3 और दूसरा हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो इसका आंसर आ जाता है 1 × 1 = 1 एंड 3 × 2 = 6। इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरी फॉर्म से करके दिखाती हूँ। देखिए 2/9 × 3/4, तो आपने जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया था सेम वैसे करेंगे। 2 × 3 इज हो जाता है 6 एंड 9 × 4 = 36। अब देखना ये सिंपलीफाई होता है, 6 टाइम टेबल में आता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 6 बोथ साइड हो सकता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और देन 36 / 6 = 6। देखिए इससे दोनों आंसर सेम आ जाते हैं।